नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि बनारस से गोरखपुर के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बनारस उत्तर प्रदेश से गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के बारे में। इसका पूरा नाम है ट्रेन का, वो है बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रेन है बनारस से रोजाना चलती है गोरखपुर जंक्शन के लिए, और बनारस से गोरखपुर की जो दूरी है 5 घंटे 35 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 234 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 42 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर है 15104 और इसमें एसी चेयर कार, सेकंड सीटिंग और जनरल डिब्बे हैं। तो अगर बात करें टिकट किराए के बारे में, तो इसमें एसी चेयर कार का बनारस से गोरखपुर तक का जो टोटल टिकट किराया है वो है 380 रुपये, जिसमें 221 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 19 रुपये है। टोटल टिकट किराया बनारस से गोरखपुर तक का एसी चेयर कार का पर पर्सन है 380 रुपये। बाकी इसमें सेकंड सीटिंग के कोच भी हैं, सेकंड सीटिंग का जो किराया है वो है 105 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 90 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 15 रुपये। टोटल चार्जेस जो है बनारस से गोरखपुर तक सेकंड सीटिंग के विथ रिजर्वेशन है वो है 105 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं, जिसका टोटल टिकट किराया लगभग 90 रुपये है, जो कि बनारस से गोरखपुर जंक्शन तक का बता रहा हूँ। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं बनारस से गोरखपुर तक चलने वाली बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है बनारस रेलवे स्टेशन मंडुआ डी उत्तर प्रदेश से हर रोज सुबह 5:25 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 5 घंटे 35 मिनट बाद गोरखपुर जंक्शन में सुबह 11 बजे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 234 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 42 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद दूसरे स्टेशन वाराणसी जंक्शन में पहुँचती है सुबह 5:40 पर, 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 3 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है, और इसका स्टेशन कोड है BSP। इसके बाद वाराणसी सिटी में ट्रेन जो है सुबह 5:56 पे पहुँचती है और 5:58 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 7 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो औड़ीहार जंक्शन में सुबह 6:24 पर पहुंचती है और 6:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सदत रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, सदत रेलवे स्टेशन पे ये 6:44 पर पहुँचती है और 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 57 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SDT। इसके बाद ये ट्रेन जो है जखियान स्टेशन में पहुंचती है, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है, सुबह 6:56 पर पहुंचती है और 6:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 67 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। धूलापुर का रेलवे स्टेशन का पर यह ट्रेन जो है सुबह 7:08 पर पहुँचती है और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 75 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DLR। मऊ जंक्शन में यह ट्रेन जो है सुबह 7:35 पर पहुँचती है और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 96 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है इंदारा जंक्शन में पहुँचती है, इंदारा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:48 पर पहुँचती है और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 104 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। किरी हरापुर में ये ट्रेन जो है सुबह 8:23 पर पहुँचती है और 8:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 132 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक 118 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है बेलथरा रोड में सुबह 8:23 पे पहुंचती है और 8:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गोदान एक्सप्रेस और छपरा मुंबई एक्सप्रेस के साथ इसकी अलग अलग दिनों पे क्रॉसिंग होती है। इसके बाद लार रोड पे बनारस गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है सुबह 8:43 पे पहुंचती है और 8:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 144 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बनारस से गोरखपुर तक चलने वाली बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सालेमपुर जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8:55 पे पहुंचती है और 8:57 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 154 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SRU। इसके बाद भटनी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 9:13 पे पहुंचती है और 9:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 165 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BTT और यहाँ पर पुरबिया एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद देवरिया सदर में यह ट्रेन जो है सुबह 9:33 पे पहुँचती है और 9:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 185 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DEOS। इसके बाद ये ट्रेन जो है गौरी बाजार रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है सुबह 9:50 पे और 9:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 200 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 11:00 पहुंचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक कि जो टोटल दूरी है 235 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। 200 के साथ बनारस से गोरखपुर तक चलने वाली बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।